हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी जी टी मास्टर एडिशन के बारे में, जो कि बहुत जल्द चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक हमें यही स्मार्टफोन चाइना के अंदर देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी आने वाला है, लेकिन नेम को लेकर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर, क्योंकि रियलमी के ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर रियलमी जी टी 2 स्मार्टफोन को देखा गया। तो आई थिंक ये स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर Realme GT Master Edition के नेम के साथ ना देखने को मिले, Realme GT 2 के नेम के साथ देखने को मिले। फिलहाल ये अभी कंफर्म ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेम के साथ हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। और काफ़ी हद तक चांसेस यहाँ पे ये भी है कि X9 सीरीज के अंदर भी यही स्मार्टफोन हमें देखने को मिल सकती है X9 Max के नेम के साथ, क्योंकि Realme GT न्यू स्मार्टफोन को Realme अपने एक सीरीज के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च किए। तो आई थिंक चाइना के अंदर Realme GT मास्टर एडिशन को लॉन्च किया जाएगा, तो इंडिया के अंदर इसे X9 Max के नेम के साथ लॉन्च कर दिया जाए। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन काफ़ी हायर लेवल वाली होने वाली है, और काफ़ी हद तक Realme X9 Pro की जो स्पेसिफिकेशन लीक्स होकर बाहर आई थी उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन कैमरे को लेकर यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपग्रेडेड मिलने वाली। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम सब बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं 100K के, सो प्लीज़ गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो और अपने चैनल को 100K के मुकाम पे ले चलो। और अब चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ये स्मार्टफोन के लुक एंड डिज़ाइन को लेकर बात करें, तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन जो है वो Realme X9 Pro की जो फर्स्ट लुक बाहर आई थी उससे काफ़ी हद तक सिमिलर होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, इससे एक और पॉइंट मिल जाता है कि ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर भले किसी नेम के साथ लॉन्च हो, Realme GT Master Edition या फिर कोई और नेम के साथ, लेकिन इंडिया के अंदर हो सकता है कि X9 सीरीज के अंदर हमें देखने को मिले सबसे हायर वेरिएंट बनकर। अब वो फिलहाल देखेंगे बाद में, लेकिन लुक एंड डिज़ाइन वाइज Realme X9 Pro की जो रेंडर्स बाहर आई थी उससे काफ़ी हद तक सिमिलर होने वाले हैं। बाकी फ्रंट साइड डिस्प्ले को लेकर बात करें, तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन 6.5 इंचेस की एक फुल HD+ की रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहां पे 90Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। अब ये डिस्प्ले कर्व होगी या फिर एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ आने वाला है, ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। बट काफ़ी सारे ऐसे लीक्सटर है जिनका कहना है कि कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है डिस्प्ले को लेकर भी। यहीं पे अगर रियर साइड कैमरास को लेकर बात करें, तो हाँ काफ़ी बड़ी यहाँ पे अपग्रेडेड हमें देखने को मिलने वाली है Realme की तरफ से। ट्रिपल कैमरे के सेटअप के साथ आने वाला है, जहाँ पे प्राइमरी शूटर 108 मेगापिक्सल की होगी एंड 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर के साथ आने वाला है। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपग्रेडेड होगी। अब यहाँ पे सेंसर्स को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कौन से सेंसर के साथ आने वाला है। बाकी फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट होगा लिफ्ट पंच होल कटआउट के साथ, 4500 mAh की बैटरी के साथ आने वाला है, जहाँ पे 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ये स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन क्वालकम स्नैपड्रैगन 870 के एक पावरफुल 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है। अब यहाँ पे ये सुनकर काफ़ी सारे यूज़र और भी कन्फ्यूजन में फंस चुके होंगे कि भैया पहले लीक्स आई थी Realme X9 Pro की, वो भी यही सेम ही स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे कैमरे को लेकर अपग्रेडेड किए गए। वो 50 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरे के साथ इन्फॉर्मेशन आ रही थी और इसकी 108 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरे के साथ इन्फॉर्मेशन आ रही। तो आई थिंक दो वेरिएंट आ सकते हैं, एक में मतलब स्पेसिफिकेशन सिमिलर होंगे, सिर्फ कैमरे को लेकर कुछ चेंजेस देखने को मिले। अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको शेयर करूँगा। फिलहाल ये कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ रही थी Realme GT मास्टर एडिशन को लेकर। अब देखते हैं ये इंडिया के अंदर किस नेम के साथ आता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर Realme GT 2 के नेम के साथ देखने को मिले, या फिर Realme X9 Pro Max के नेम के साथ देखने को मिले, या फिर कोई अदर नेम के साथ देखने को मिले, जो भी लगता है प्लीज़ यार मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी अगले वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।